तो हेलो और सबका दिस इज द टीयर स्टूडेंट राइडर, वेलकम बैक एट द न्यू फ्रेश ब्लॉग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने ली है न्यू साइकिल। जो कि मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैंने कौन सा साइकिल लिया है और क्या लिया है। तो आज का वीडियो मेरे इस साइकिल के ऊपर एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो है। मेरा साइकिल आया था 10th फेब को, आज 20th फेब जो आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो 29th को लाइव हो जाएगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, फिर से वीडियो लो कि म्यूजिक पर अपना सिनेमैटिक स्टार्ट करते हैं। इस बार कुछ अलग सीन देखो। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna... लिया है Urban Terrain UT 3000A 27.5T। ये कुछ इधर का कुछ सीन है। ये देखो अर्बन टेरेन का लोगो, बहुत तगड़ा ही लगता है यार, ब्लैक में येलो का कॉम्बिनेशन। इधर सस्पेंशन में किसी को ब्रांड का बैजिंग नहीं है, मतलब शायद से ये अर्बन टेरेन ही मैन्युफैक्चर करती है ये सस्पेंशन। और इसमें आता है 21 गियर का सेटअप जो कि है पावर्ड बाय शिमानो। फ्रंट में शिमानो का टूर्नी और रियर में भी टूर्नी ही मिलेगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में टूर्नी से ऊपर का कुछ नहीं मिलता, मिलता भी नहीं है। डुअल डिस्क ब्रेक का फीचर मिल जाता है, मतलब इस बाइक में डुअल डिस्क ब्रेक है, इधर भी एक और इधर भी एक। और फ्रंट में 3 गियर और पीछे 7 गियर, तो यही बनाते हैं 21 स्पीड का कॉम्बिनेशन। और ये है थंब शिफ्टर्स, इसमें आपको रैपिड फायर नहीं मिलते हैं। ये सबसे बड़ी मतलब ड्रॉबैक लगा मुझे, क्योंकि भाई इस प्राइस रेंज में तो मुझे रैपिड फायर मिलना चाहिए था। यह थंब शिफ्टर, यह है ऊपर का, मतलब ऊपर से हाई करने वाला और नीचे से लो करने वाला, ऐसा कुछ का फीचर। और इधर से लो करने वाला, लो करने वाला और हाई करने वाला, तो यही है कुछ इसका। इसमें ज़्यादा कुछ वो खास फीचर नहीं है, बट अर्बन टेरेन वालों के मुझे एक बात अच्छी लगी, जो इन्होंने जो पैकेजिंग भेजा था मुझे, उस पर साथ में इंक्लूडेड एक पंपर भी था, मतलब जो एयर भरते हैं ना उससे, वो भी था एक छोटा सा, जो कि मुझे बेस्ट लगा। क्योंकि भाई मतलब जब आप कहीं पर हो, मतलब समझ लो आपके घर के आसपास कोई भी साइकिल रिपेयरिंग शॉप नहीं है, तो आप इस पंचर नहीं, मतलब हवा के बिना टायर को वाला नहीं हो साइकिल लेकर कहाँ भटकोगे। इसलिए उन्होंने अच्छा ही किया है इसके साथ पंपर देकर, और बहुत सारे टूल्स भी आए और रिफ्लेक्टर्स भी इसके साथ ही थे, और स्पेशलिटी बोतल होल्डर एंड स्टैंड भी था, जो कि बहुत ख़ास बात है आज के दिनों में इस प्राइस रेंज में। तो गाइस यही है अपनी यूटी 3000। भाई साहब मतलब रात में तो इसका लुक कुछ अलग ही होता है। और मैं बता दूँ, ये वाला और ये वाला मैंने अलग से ख़रीदा है, ये इसके साथ नहीं आता है, तो उल्टा पुल्टा मत समझो। ये बोतल भी मेरा ही है, इसके साथ नहीं आया है। ये सीट कवर भी मेरा ही है और ये लॉक भी मेरी पुरानी साइकिल का ही है, तो इसके साथ सीट कवर भी नहीं है, लॉक भी नहीं है, तो यही है कुछ साइकिल। मैं इस बाइक के अप्रॉक्स वन मंथ के बाद रिव्यू बना रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं साइकिल के अप्रॉक्स वन मंथ बाद रिव्यू बना रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे अपना ट्रू ओपिनियन देना है कि साइकिल कैसा है। मैंने बहुत चलाया है इसको, मैं इसको 200+ किलोमीटर चला चुका हूँ इस वन मंथ में, तो मुझे पता है इस साइकिल का ड्रॉबैक्स और इसका फीचर्स, मतलब कैसा चलता है, स्मूथ है या फिर गियर कैसा है, ये सब मैं आज आपके वीडियो से शेयर इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक से सब्सक्राइब अभी से कर दो, क्योंकि ऐसे कॉन्टेंट्स आते रहेंगे और इस पर भी मॉडिफिकेशन वाले ब्लॉग आते रहेंगे, तो बेल का बटन ज़रूर से दबाना। जो चीज़ मुझे लगी है साइकिल में होनी चाहिए वो थी लॉकआउट सस्पेंशन। भाई प्रीलोड एडजस्टर ना भी देते तो भी लॉकआउट तो देना ज़रूरी था ना भाई, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, भाई लॉकआउट दे देते तो इस साइकिल में 4 चांद लग जाते।
खैर रैन तो सस्पेंशन तो आफ्टर मार्केट भी मिल जाता है, लगा लेंगे लॉकआउट वाला, 6 महीने का ही है वारंटी, उसके बाद लगाएंगे, नहीं तो वारंटी वॉइड होने के चांसेस है। जो चीज़ मुझे इस पर ख़राब लगी वो है इसकी सीट, इसलिए मैंने इस पर सॉफ्ट वाला सीट कवर लगाया हुआ है, नहीं तो आपका हो जाएगा जो जितना डेंजर सीट आता है इसमें। बहुत शार्प है, मतलब ये है इसका सीट का कुछ पार्ट, अगर फोटोज होगा तो मैं इधर लगा दूंगा इसका सीट कैसा है भाई, बहुत डेंजरस वाला है। तीसरा जो मुझे ख़राब लगा इसके डिस्क, हाँ इसके डिस्क में पता नहीं कुछ साउंड सा आ रहा है, मतलब जब मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो कुछ साउंड सा आ रहा है, मुझे पता नहीं ये इनबिल्ड है, मतलब ये कैसा, ये ठीक होगा या फिर कैसा ठीक होगा मुझे नहीं पता है, सर्विस सेंटर वालों को फ़ोन करेंगे वही आकर कुछ ठीक ठाक कर देंगे इसका। भाई लोग इस पर ना एक सेकंड पार्ट भी आ रहा है अर्बन टेरेन एक्सपोज करके, उधर में सर्विस के बारे में कुछ बताऊंगा, मुझे कुछ बताना है क्योंकि सर्विस इतना अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा है मतलब क्या ही बोले। नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो, तो आज के वीडियो के लिए उतना ही। दिस इज द TR7 राइडर साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वेयर हेलमेट, राइड सेफ, स्टे सेफ।